हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन फोर्सेज में जाने का सपना लड़के का नहीं, लड़कियों का भी होता है, बट लिमिटेड वैकेंसीज की वजह से नहीं जा पाती, क्योंकि आज भी लड़कियों के लिए वैकेंसीज नहीं है। तो MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ऐसा रिक्रूटमेंट है जो लड़कियों के लिए होता है, एंड इसके थ्रू आप इंडियन फोर्सेज के तीनों सेगमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, तीनों में। एंड इसमें आपको BSc नर्सिंग करवाते हैं जो कि 4 साल का होता है, एंड देन आपकी ट्रेनिंग होती है जिसमें सिलेक्शन होता है परमानेंट और शॉर्ट टर्म कमीशन सर्विसेज के बेसिस में। तो जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड डेट आपका जो लास्ट डेट है वो 10th of March है, तो उससे पहले आप अप्लाई कर लें क्योंकि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए। करीब 220 वैकेंसीज हैं, निकलती हैं इस पोस्ट के लिए। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमने एक वीडियो बनाई है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एग्जाम फीस आपकी 750 होगी। एक बार मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। फर्स्टली आपको अनमैरिड, डिवोर्सी, लीगली सेपरेटेड और विडोड विदाउट एनी इशू होना चाहिए, प्लस आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। यू मस्ट हैव पास 10+2 जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटानी या जूलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। एंड या अगर आप 12th क्लास के एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 एंड 30 सितंबर 2004 के बीच में होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, यानी आपका 148 सेंटीमीटर होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम 90 मिनट्स का होता है। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसमें आपके फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं। देन अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट निकलता है, इसमें आपका रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके आपका मेरिट निकालते हैं। फिर लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सो गाइज, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट हर इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।